अगर दोस्तों आज आज की वीडियो में हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि काइन मास्टर की हम बहुत सारी वीडियो जो है तो लाए वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है बीच बीच में कोई टेक की वीडियो हम जो है तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो डाल देते, लेकिन आज की वीडियो में हम तुमको फिर से काइन मास्टर के बारे में बताने वाले हैं कि काइन मास्टर तुम अपनी कोई भी वीडियो में बॉर्डर कैसे लगा सकते हो। वीडियो को बॉर्डर जैसे आवत है ना, बहुत से आदमी जो है तो वीडियो को बॉर्डर लगावत है लेकिन काफी परेशानी हो जाती है कोई दूसरे सॉफ्टवेयर, लेकिन आज तुमको हम काइन मास्टर से बताए वाले हैं कि काइन मास्टर के अंदर तुम जो है तो अपने वीडियो को बॉर्डर कैसे लगा सकते हो। चलो हम देखे थे अपने काइन मास्टर की तरफ, चली थी काइन मास्टर में और वीडियो में कैसे बॉर्डर लगाएगा काइन मास्टर के अंदर, तो चलो हम चल के तुमको बताई थी कि कैसे तुम लगा सकते हो। दोस्तों आपको अगर अपने वीडियो में बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाना होगा उसकी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत से लोगों ने इस पर भी वीडियो बनाई लेकिन जो है तो वो सक्सेस नहीं है क्योंकि भाई इतना कोई भी जो है तो एडजस्ट नहीं कर सकता। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना है, मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे ले लिया। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जिस कलर का भी आपको बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं मतलब बॉर्डर लगाना चाहते हैं आपको यहाँ से उस कलर को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड चूज़ कर ले रहा हूँ, रेड चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है तो ये पूरा आपका रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद आपको करना क्या है, मीडिया के ऑप्शन पर जाना है, फिर यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई वाइट कलर आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। वाइट कलर चूज़ करने के बाद आपको इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से आपको जो इसने इसमें जो है तो आपने इसको एडजस्ट इस तरह से आपको अपने इसमें इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है तो अपना कोई भी कलर, हरा कलर मान लो, यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन के लिए यहाँ पे हरा कलर आपने इसको चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चर एंड सेव फोटो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब ये ऑटोमेटिक जो है तो ये आपकी सेव हो चुकी है। होने के बाद आपको बैक आना है। जैसे कि मैं इस वीडियो पे जो है तो अपने बैकग्राउंड जो है तो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी इस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपने काइन मास्टर में। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना है। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे टोज यू है यहाँ पे जो है तो इंपोर्ट कर लेनी है। तो मैंने उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इस फोटो को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल के लेंथ पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसकी लेंथ जितनी भी आपकी बड़ी वीडियो है आप इसकी लेंथ जो है तो बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आपको नीचे वाले लेंथ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन है, क्रोमा की ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड है यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने क्रोमा की को जो तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा कि आपका जो ये वीडियो है यहाँ पे वीडियो में आपके बैकग्राउंड जो जो बॉर्डर है बॉर्डर यहाँ पे वीडियो में आपके लग चुका है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में किसी भी वीडियो में बॉर्डर लगा सकते हैं, जिस कलर का भी चाहें उस कलर का आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे आपको इसी तरह से जो है तो अपने वीडियो के बॉर्डर को इस तरह से आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। तो देखो हम तुम लोगों को बताओ कि अपने काइन मास्टर से अपने वीडियो किसी भी वीडियो में बॉर्डर कैसे लगा सकते हो, चाहे वो लैंडस्केप हो चाहे वो पोर्ट्रेट हो। तो अगर वीडियो में बॉर्डर लगाओगे तो तुम यही मेथड का तुम्हें यूज़ करना है। ये मेथड का यूज़ करके तुम अपने वीडियो में जो है तो बॉर्डर लगा सको। तो बहुत ईजी बहुत सिंपल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे यूट्यूब चैनल टेक का सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो।